सो गुड मॉर्निंग लवली पीपल्स, की हाल चाल सारे नु, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। सो होप करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। एनीवेज भाई लोगों, आज है ट्यूसडे 10th ऑफ मे, और सो आज अपन चल रहे हैं भाई महिंद्रा की थार पर। तो आज दो थार लेके जा रहा हूँ, एक मैं अपनी और एक उद्यन की, और साथ में हम जा रहे हैं कुछ फ्रेंड्स। कहाँ तो ये आपको रास्ते पता लगेगी, बस थोड़ी बढ़िया वाली अच्छी वाली ऑफ रोडिंग करने जा रहे हैं। जितने भी लोग ऑफ रोडिंग में वीडियोज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, तो प्लीज़ ये वाली ब्लॉग पूरा देखना, क्योंकि उनके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाला है। तो ज़्यादा कुछ लेके नहीं जा रहा हूँ, बस गोप्रो का सामान और छोटी मोटी स्टिक्स वगैरह लेके चल रहा हूँ। सो लेट नहीं करते हैं, ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, फ़ोन पर फ़ोन आ रहे हैं। चलो जल्दी से चलते थार पे और निकलते हैं आगे, अंकित को लेते हुए, रुद्र को लेते हुए। सो हे हयाबुसा एंड ये अपनी भाई हिमालयन, और अब चलते हैं सीधा थार के पास, निकलना है, काफ़ी लेट हो चुके हैं टू लिविंग। और ये मैं और ये रही अपनी थार। सो मैं अभी निकल रहा हूँ सीधा अंकित को लेने, अंकित को लेके फिर निकलना है मुझे रुद्र को लेना है, फिर उसके बाद जल्दी जल्दी निकलना है क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है और एक दो जनों के फ़ोन आ चुके हैं, वो सारस पे मेरा वेट कर रहे हैं। तो चलो जी निकला जाए, ज़्यादा वेट नहीं कराते हैं उनको, नहीं तो वो मेरे को जब कभी वेट कराएंगे तो बहुत अच्छे लेवल का वेट करा देंगे। सो फाइनली भाई गौरांग रह चुका है, गौरांग आ रहा है अभी अपनी थार लेके, उद्यन आ चुका है थार लेके, और ये भाई अपना रुद्र, पीछे नमन, थार ऑफ रोडिंग करने के लिए। तो पहले भी डलवाएंगे डीजल, देन उसके बाद निकलेंगे आगे भाई ऑफ रोडिंग करने के लिए। जो भी बंदे ऑफ रोडिंग इंटरेस्टेड रखते हैं वीडियोज़ के लिए, तो वो ये व्लॉग बिल्कुल ना छोड़ें, पूरा व्लॉग देखना। तो निकलते हैं अब, ऑलरेडी 6:30 हो चुके हैं और मुझे 9 बजे तक घर भी पहुँचना है वापस, टाइम नहीं लगाते हैं, तो सीधा निकलते हैं फतेहपुर सीकरी की तरफ। और ऑफ रोडिंग कहाँ करने वाले अपन रुद्र? रसूलपुर भाई, इसका क्या है, फार्म हाउस, इसका फार्म हाउस है, वहीं पर एक बोल रहा है कि छोटी मोटी पहाड़ी वगैरह है, तो वहाँ अपन अच्छे से ऑफ रोडिंग करने वाले हैं। तो चलो जी फाइनली ऑफ रोडिंग करते करते एक टीले पे चढ़ा दिया अपन ने दोनों थार, ये पीछे आपको दिख रहा होगा और वो भाई पीछे पहाड़ी है, चढ़ने का रास्ता नहीं मिल रहा है अपने को कहीं से। जितना हो सका था अपन ने कवर किया, ऊपर चढ़ाने की कोशिश करी भाई, बहुत आराम से आई है, 4x4 का लो लगाया था और इतने प्यार से चढ़ के आई जिसकी कोई हद नहीं है। बट प्रॉब्लम ये है हमारे यहाँ एक प्रॉपर ऑफ रोडिंग ट्रैक नहीं है इधर में, बट जितना भी होते हुए अपन फन कर लेते हैं। हाँ भाई उद्यन, मज़ा आया तेरे को? नहीं आया? कितना मज़ा आया फिर तेरे को? काफ़ी आया। काफी तो नहीं आया अभी? नहीं अभी तो करेंगे, फन आया नहीं अभी फन करने के लिए, फिर हमें वहीं आना पड़ेगा मंडी मिर्चा का। चलिए चलते हैं। चलो चलते हैं। और मैं एक्चुअली गोप्रो वगैरह भूल चुका हूँ घर पे, तो अभी एक और थार आ रही है अपनी, तो मैंने उसको बोला है, मैंने यार गोप्रो वगैरह लेके आ मेरे, तो वो मेरे घर से गोप्रो पिक करके लेके आ रहा है, देन उसके बाद में फिर थोड़ा फन करेंगे, देन उसकी जो वीडियोस निकलेंगी गोप्रो की वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा सारी की सारी। अभी थोड़ा वेट कर रहा हूँ मैं गौरांग का, जो मेरे गोप्रो लेके आ रहा है, जो तीसरी थार आ रही है अपने ग्रुप में, तो वेट करते हैं। कुछ मांग रहे थे? अरे यार आप ऐसे क्यों व्लॉग में बदनाम कर रहे हो मेरे को? मैं सीधा सज्जन आदमी। कुछ मांग रहा था ये? ना ना नथिंग।
बता दे ना, कोई पानी पिला दो तो बढ़िया रहेगा, वैसे बहुत ओवर लोडिंग हुई है। अच्छा हाँ जी, फाइनली भाई ऊपर तक चढ़ा दी अपन ने अपनी थार। ये पीछे खड़ी है मेरी वाली, वो गौरांग की थार और वो पीछे गौरांग, और सबसे ऊपर जो लगाई है भाई वो लगाई है अपन ने उस दिन की थार, बहुत मुश्किलों के साथ। ये देखो भाई बहुत हार्ड पैचेस हैं, और ये जो गिट्टियाँ रखी है ना यहाँ बहुत टायर ज़्यादा स्लिप मार रहा था, टू मच। और ये अपनी थार, ये मिस्टर उद्यन, कैसा फील आया बेटा थारू पर तक गई तो? बढ़िया। थोड़ा डर लगा? कितना? अलग में आ गई थी। जान अलग में आ गई थी। पर जो भी था जैसा भी था फन था भाई, बहुत ज्यादा फन किया है आज। और अभी हो चुका है टाइम निकलने का। आई होप कि आपको 360 के शॉट्स पसंद आए होंगे। 360 कैमरा मेरा सुबह में घर पर रह गया था, गौरांग लेके आया था, बस जब हमारा ऑफ रोडिंग का लास्ट हो चुका था तब गौरांग लेके आया था, हमने साथ में गौरांग के साथ भी थोड़ी सी ऑफ रोडिंग पैचेस कर लिए। एनीवेज गौरांग कैसा लगा भाई आज? बहुत बढ़िया भाई, मज़ा आया बहुत सर। बट आप नहीं, लोकेशन बहुत अच्छी। कितनी लेट आए हो आप? सॉरी आज थोड़ा सा लेट हो। बहुत लेट, थोड़ा बहुत नहीं बहुत लेट, सारी ऑफ रोडिंग हो चुकी थी उसके बाद ही आया भाई अभी। और एनीवेज हाँ आज तो नहीं, बट अब अगली ट्यूजडे देखते हैं। बहुत बढ़िया, शेयर करें, लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करें। हाँ जी, तो की हाल चाल, सुबह से शाम हो गई और आपसे मुलाकात नहीं हुई, काफ़ी टाइम हो गया। सुबह ऑफ रोडिंग करके आए थे और अभी टाइम हो चुका है भाई रात के 11 बज चुके हैं। हुआ क्या कि मैं बस जल्दी जल्दी में आया था, मैंने आपको बोला था कि आज छोटा सा घर में फंक्शन है, एक्चुअली मेरे घर में छोटी सी पूजा थी तो वहाँ बैठना मेरा बहुत ज़्यादा ज़रूरी था,
तो अभी वो पूजा वूजा फ्री करी मतलब उस टाइम पे सुबह 12 बजे के आसपास, देन मैं अपनी फैक्ट्री चला गया था, छोटा मोटा काम भी था। तो वहाँ से फ्री होके मैं जैसे ही पहुँचा घर पर, तो मुझे ना भाई खाना वाना खाया, लंच वंच किया, उस लेवल पे नींद आई कि जिसकी कोई हद नहीं थी। पीछे में भी आप देख रहे हो कंबल वंबल सब ऐसे बिखरे हुए हैं, एसी चलाया भाई, कंबल उड़ के सो गया। फिर मैं उठा था करीबन शाम को 6:30 बजे, फिर मैं अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने निकल गया, देन अभी घर आया। फिर मैंने सोचा है व्लॉग एंड कर देते हैं और जल्दी से फिर एडिट करके आप तक भी पहुंचाना है मुझे। एनीवेज भाई लोगों, होप करता हूँ ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, कॉमेंट कर देना, शेयर कर देना, और जो भी मेरा भाई इस चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। चलो जी, फिर मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।